हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो मैं फिर से ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ ताकि आपको जानकारी दे सकूँ एक नया जॉब ओपनिंग के बारे में। दोस्तों, एशियन मैनपावर सर्विसेज हैदराबाद में फिर से एक नया जॉब ओपनिंग आ चुका है, वो भी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए जो शेंगेन जोन का है। शेंगेन का आपको एक बार वीज़ा लग जाएगा तो दोस्तों आप देखते हैं 26 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें एक पूरा लिस्ट है 26 कंट्रीज़ का, जैसे कि पोलैंड है, पोर्चुगल है, नीदरलैंड है और ग्रीस है, जर्मनी है, लेटविया है, इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज़ है। दोस्तों आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं शेंगेन कंट्रीज़ कौन से हैं। तो उसी में से एक कंट्री का यहाँ पे जॉब ओपनिंग आया है जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए चाहिए। दोस्तों कंस्ट्रक्शन के रिलेवेंट बहुत सारे जॉब ओपनिंग आए हैं यहाँ पे, मैं बाजुक में एक लिस्ट लगा दूंगा जिसमें पूरे नाम, यहाँ पे ट्रेड्स, क्या क्या ट्रेड्स रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगा दूंगा मैं। दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं एशियन मैनपावर सर्विसेज एक जेन्युइनली प्रोसेस करता है वर्क परमिट्स के लिए, और इसके अलावा VFS तक पहुंचने के लिए आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स जो जो रिक्वायर्ड है 100% आपको बना के देते हैं। ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को यूरोप कंट्रीज़ के लिए एक्सेस खुलवाना है। एक्सेस मतलब आपको वहाँ पे जाना है, वहाँ का PR लेना है, वहाँ पे आपको यूरोस में अर्निंग करना है, तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आ चुका है। दोस्तों एज रिक्वायर्ड है 22 to 49 एज तक आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए और आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th क्लास SSC स्कूल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का आपके पास मिनिमम सर्टिफिकेट रहना ज़रूरी है, और इसके अलावा आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी रहना चाहिए, तो आप इस जॉब को इजीली अप्लाई कर सकते हैं एशियन मैनपावर सर्विसेज में। सो दोस्तों वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत इजी है, 99% यहाँ पे रिजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिफ्यूजल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% यहीं से आपको TRC मिल जाएगा, वो भी 1 ईयर के लिए। तो आप सोच सकते हैं कोई भी यूरोपियन कंट्री में इस टाइप का TRC जो यहाँ इंडिया में ही मिल जाता है, ऐसा कोई भी कंट्री अभी तक नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्यों मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, जब आपका वर्क परमिट अप्लाई किया जाएगा तो वहाँ से आपके वर्क परमिट के साथ में एक नंबर दिया जाता है जो माइग्रेंट नंबर बोलते हैं, वो नंबर रहे तो ही आपका VFS या एम्बेसी का अपॉइंटमेंट्स मिल जाएगा। तो इसीलिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, यहीं से आपको 1 ईयर का TRC मिल जाएगा। दोस्तों सैलरी रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे 800 यूरो to 1000 यूरो आपको पर डे 8 आवर्स काम करने पर मिलता है। दोस्तों फ्री अकोमोडेशन है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पे, और भी बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह आपको एडिंग करने के चांसेस है, जैसे कि आप ओवर टाइम भी कर सकते हैं 8 घंटे के बाद, तो आपको अच्छा खासा अमाउंट इंडिया के हिसाब से आप देखेंगे तो मोर देन 1 लाख आप इजीली रीच हो सकते हैं, इजीली अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों एक बार शेंगेन का वीज़ा लग जाएगा, आप वहाँ पे अगर से वहाँ के कानून को फॉलो करते हुए आप स्टे करेंगे तो आप PR परमानेंट रेसिडेंस के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। सो दोस्तों ये थी सारी जानकारी, यहाँ पे सैलरी का भी बोल दिया है मैं, TRC आपको इंडिया से ही मिल जाएगा, और 100% जेन्यून वर्क परमिट है तो ही आपको एक माइग्रेंट नंबर आता है, उस माइग्रेंट नंबर से ही आपको यहाँ पे आपको VFS का अपॉइंटमेंट मिलेगा। शेंगेन वीज़ा है दोस्तों, आपको तो मालूम है शेंगेन वीज़ा की कितनी अहमियत होती है, आपको PR मिलने के भी पूरा चांसेस हैं, और अप्लीकेशन फॉर्म अगर से लिथुआनिया कंट्री को जाना चाह रहे हैं आप, तो उस लिथुआनिया कंट्री का अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे मैं नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा, साथ साथ में हंगरी का भी जो हम लोग प्रीवियसली कर रहे हैं शॉर्ट लिस्टिंग उसमें भी चल रहा है, उस फॉर्म का भी मैं अप्लीकेशन में रख दूँगा। तो साथ साथ में लिथुआनिया अगर से आप एलिजिबल हैं हंगरी के लिए, तो हंगरी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग कर लिए जाएंगे, अगर से आप एलिजिबल हैं
लिथुआनिया के लिए, तो लिथुआनिया के लिए हम लोग शॉर्ट लिस्ट करके आपको कॉल बैक करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स मैं स्क्रीन में दे दूंगा, ऊपर स्क्रीन में आप देख सकते हैं एशियन मैन पावर सर्विसेज हैदराबाद के कॉन्टैक्ट नंबर्स मैं दे दूंगा, जहाँ पे आप कॉल करके आपका नाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ये एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं। सो दोस्तों ध्यान में रखिए, कॉल करने के लिए सुबह 10 बजे से लेके इवनिंग 6:37 मैक्सिमम आप कॉल कर सकते हैं, ऑफिस टाइम पे कॉल करिए। और ध्यान में रखिए संडे को भी ऑफ होता है, तो इसीलिए आप लोग वर्किंग डेज मंडे से लेके अप टू सैटरडे तक सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6:30-7 बजे तक आप कॉल करिए, 100% आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और इसके अलावा आपको गाइड किया जाएगा। सो दोस्तों इस तरीके के वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और आपके दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। और शेयर करने से फ़ायदा एक होगा कि आपको रिक्वायर्ड है तो जॉब आप भी एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपके फ्रेंड सर्किल में या उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को इस जॉब का रिक्वायर्ड है तो वो लोग भी उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और शॉर्ट लिस्टिंग करवा सकते हैं। सारी जानकारी इस फॉर्म में है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म में आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा, क्या खर्चा आएगा, सारी डिटेल्स इस लिंक में दिया गया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल यूट्यूब चैनल ग्रेटली वॉइस। और इसके अलावा फेसबुक पेज है एशियन मैन पावर सर्विसेज के नाम से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं आने वाले जॉब ओपनिंग के बारे में पता करने के लिए। गुड बाय, टेक केयर फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।